बॉक्स ओपनिंग ऑफ ट्रैंक्विलाइजर गन. शफत अली खान जी प्लीज खोलिए. इस साइड खड़े हो जाओ, देखो इस साइड से. हाँ तो लोग इस तरफ आ जाओ. देखो साहब आ गए. कैच निकालना है. ये कैच निकाल देना है. अब आप लोग सब ऐसे करिए ना. अच्छा ठहरिए, आप मैं ऐसे आ जाता हूँ तो आप लोगों को सामने से मैं एक एक चीज उसकी पार्ट्स बता देंगे. मैं आपको एक्सप्लेन करने चले जाऊंगा. देखिए, देखो जी, इधर इधर आओ और इधर इधर आओ. पहली चीज ये है कि ये एक बड़ी खतरनाक चीज है. राइफल की गोली से भी आदमी बच सकता है, मगर इसकी गलती से जान जा सकती है. तो पहली चीज यह है कि इसके पीछे के जो दो स्क्रू हैं, आप इसको कभी भी आपके पास आए, हाथ में आए, तो ये आप खोल लें और आप इसको पीछे से देख लें कि खाली है या नहीं है. क्योंकि डार्ट इसी में कभी कभी रख के छोड़ देते हैं, ऑपरेशन के बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं कहीं किसी पे. वेस्ट बंगाल में ऐसे पैर के ऊपर लग गया गार्ड को, 3 मिनट में वो मर गया. क्योंकि हाथी के 4 टन के लिए टाइगर के 200 किलो के हिसाब से दवाई भरी जाती. आदमी को जो 3% दवा लगती है यही बेहोश करने, हम 300% लगाते हैं. तो बड़ी खतरनाक होती. तो पहली चीज इसकी सेफ्टी आप ये देख लें कि ये खाली है. फूंक के भी देखें. अब ये जो बंदूक चलती है ये हवा के प्रेशर से चलती है. तो हवा का प्रेशर देने के लिए इसको आप खोल लें और इसमें हमके सिलेंडर है. ये सिलेंडर है. ये सिलेंडर में 18 से 20 डार्ट तक आप चला सकते हैं. तो ये आप सिलेंडर को ऐसे ये कप में डालिए. इसके अंदर यहां पे एक पिन होता है. तो जब आप इसको टाइट करेंगे तो वो पिन इसमें छेद डालते हुए ये चार्ज हो जाएगा. अभी दवाई तो नहीं। पहले खाली मैं गन का एक्सप्लेन करूं. पूरा टाइट करना. जब ये पूरा टाइट हो गई तो सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड हवा है. जैसा कंप्रेसर के टायर में हम हवा भरते हैं वैसा इसमें कंप्रेस्ड हवा है. अब ये कंप्रेस्ड हवा सिलेंडर में से गन में आ गई. ये जीरो पे है गेज. ये बढ़ गया. प्रेशर अब आ गया है गन में. ये प्रेशर कम कर सकते हैं, ये प्रेशर ज्यादा कर सकते हैं. ये डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, डिस्टेंस को ध्यान में रखने के लिए ये इसकी कंपनी से ये चार्ट दिया जाता है कि कितने प्रेशर पे कितना हम इसको प्रेशर देना है. इसको हम ये करते हैं, इसी पे चिपका देंगे. चिपका हमेशा इसको ये साफ करके इसको हमेशा, इसलिए वो दो आते हैं. ये इसके ऊपर हम चिपका दें तो फील्ड पर भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि 5 मीटर के लिए 2 बार, 10 मीटर के लिए 3 बार. तो ये जो नीडल यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही है ये बार का प्रेशर. हवा हमेशा बार के प्रेशर में गिनी जाती है. तो अब ये है
पांच पे आ गया है, इसको मैं कम करके तीन पे ला दिया हूं। जितना भी आप इसको इधर करें कम होगा, इधर करें ज्यादा होगा। तो प्रेशर आप इसका सेट कर दें। अब ये जो बंदूक है ये दो नाली की है, डबल बैरल है। ये इसका सेलेक्टर है, यहाँ पे डाउन लिखा हुआ है और यहाँ पे अप लिखा हुआ है। तो आप इसको ये कर दे तो ये चले गई ऊपर, अप पे ऊपर की बैरल चलेगी, और आप इसको नीचे कर दे तो नीचे की बैरल चलेगी। यहाँ पे इसको ट्रिगर गार्ड कहते हैं, ये ट्रिगर है। ट्रिगर गार्ड के नीचे एक छोटा सा खटका है, बटन है। ये जब ये बटन इधर दबता है फायरिंग पोजीशन पे जब आता, तो यहां पे एक लाल रंग का रिंग दिखेगा आपको। ये लाल रिंग खतरे का रिंग है, अब रेडी है चल जाने के लिए, तो ये डेंजर का रिंग आ गया। हमेशा इसको ऐसे दबा के रखें जहां पे के रिंग ना दिखे। अब ये नहीं चलेगी, लॉक हो गया, लॉक हो गया। इसको हमेशा लॉक के पोजीशन पे आप रखें। सिर्फ जिस वक्त आप पूरी तौर से तैयार हो गए जाके जानवर को डांट करने के लिए, उस वक्त आप इसको दबाएंगे, और आप इसको जब चलाते हैं तो ठस से ये चल गई, उस प्रेशर से आपका डांट चले जाएगा। चलाने के बाद ये प्रेशर जीरो पे आ जाएगा, जो प्रेशर मैं दिया था पांच का निकल गया, वो प्रेशर निकल गया, ये प्रेशर जीरो पे आ गया। तो फिर आपको जो भी डिस्टेंस के ऊपर, अगर आपका जानवर 20 मीटर पे है, 25 मीटर पे है, पहले आपको अपने जानवर को देख लेना है कि कहाँ है, क्या डिस्टेंस पे है, उस हिसाब से आप अपना जैसे तो उसका डिस्टेंस पर सर कितना मीटर पर में कितना ये आप है? इससे 30-35 मीटर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम रेंज 35 मीटर है, 100 फीट तो आप समझिए वो सामने की जो कंपाउंड वॉल है अपनी 40 मीटर दिया है, 40 मीटर देते हैं साहब, मगर वो इफेक्टिव नहीं होगा, हवा वगैरह चलती है तो वो डार्ट फट जाता है। तो आप ये लेके चलिए कि प्रैक्टिकली हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस 30 मीटर, 30 मीटर है। सेफ्टी रेंज हुआ 20 मीटर पर देंगे तो नहीं, 30 मीटर तक। देखिए ऐसा है, 40 मीटर पे भी अगर हमारा डार्ट लग जाए जानवर को तो दवा तो इंजेक्ट हो जाएगी, मगर लगता नहीं, जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता। हाथी इतना बड़ा जानवर है, मगर हाथी को आप डांट जो करते हैं वो उसका टारगेट इतना ही है। अगर हाथी आगे देख रहा है आपको तो ये गर्दन वगैरह का जो नरम हिस्सा है वहां, मगर सबसे सेफ मेरे अनुभव में, क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो अपनी सेफ्टी पहले देखनी है। हम एक बड़े खतरनाक जानवर का मुकाबला कर रहे हैं, ये नॉर्मल हाथी नहीं है। हमारे बिटिया के नॉर्मल हाथी को मैं 10 मिनट में 10 हाथियों को ट्रैंक्युलाइज कर लूंगा। ये भटक के आए हुए हाथी हैं, आदमियों को मार चुके हैं, गांव के लोग भगा रहे हैं, वो हाथी भी गुस्से में है। तो इसके लिए हमारे को हवा का डायरेक्शन देखना है। हाथी के लिए आपको सबसे अहम चीज ये होती है कि हवा का रुख क्या है। सूखी मिट्टी आप उठाइए और ऊपर से छोड़िए तो धूल जिधर जा रही है वो हवा उधर चल रही है। हाथी वो बहुत ज्यादा सुनता है, और हमारे पास अलग बू आती है, गांव के लोगों की बो अलग होती है। हम जो जाते हैं बंदूक की तेल की बो, दवा की बो से वो पहचान लेता है कि ये रोज के टकराने का आदमी नहीं है, ये अलग आदमी है। तो इसलिए हमको फर्ज करिए हवा ऐसे चल रही है, हाथी वहां है तो आपको यहां से नहीं जाना है। आप या उधर दाएं हो जाइए या बाएं होके हटिए, आप हट के हवा के डायरेक्शन में आप हाथी के पीछे नहीं जा रहे, या तो आप आगे से आइए या तो आप साइड से आइए। और हमेशा मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि जब हम खरीब पहुंच गए, जैसे डार्टिंग रेंज हमारा 30 मीटर है, जब आप हाथी से 50 मीटर पे आ गए, 40 मीटर पे आ गए, 32 मीटर पे आ गए, 30 मीटर पे आ गए, उस वक्त आपको बहुत ध्यान देना है कि हवा का रुख क्या है। तो सेकेंड जो आदमी आपके साथ रहेगा डार्टिंग करने वाला, हम सारी टीम बनाएंगे, एक आदमी का काम नहीं है, सारा टीम वर्क का काम है, डीएफओ से लेके नीचे तक सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकेंड आदमी जो होता है वो हवा देखता है, फर्स्ट आदमी जो डार्ट चला रहा है वो अपना टारगेट और अपने जाने का पोजिशन। थोड़ा सा भी आपको अगर
ये सोफे के उतना भी अगर आपको पौधा मिल जाए, पत्थर मिल जाए, बुश मिल जाए, तो आप उसके पीछे छुप जाएंगे, आप चल के नहीं जाएंगे, आप वहां पे बैठेंगे, आप धीरे से आने। अब आप अपने रेंज में आ जाने के बाद ये पौधा, पत्थर, नाली, जो भी नेचुरल आपको मिल गया, इसका आप सहारा लेंगे। आप अपनी गन निकाले, आप ताके अपने टारगेट पे, और आप फायर करें, और फिर आप दबो के नीचे, ताकि वो देखे नहीं कि आपकी डांट लगते ही जो सुई चुभती है उससे जानवर चमकता है और वो फौरन पलटेगा, जो उसको नजर में दिखेगा उस पर वो चार्ज करेगा। डांट करने वाले दो आदमी जो जा रहे हैं वो ऐसे कपड़े पहने, ऐसी टोपी पहने जो आप मिल जा सके, छुप जा सके। जितने हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो या तो कोई व्हाइट शर्ट में था, कोई लाल शर्ट में था, ये चीजें हमारे को मौत के मुंह में लेके चले जाती हैं। इसकी हमको ट्रेनिंग, इसकी तैयारी होना है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में गए वक्त हमारे कपड़े कैसे हो, हमारी टोपी कैसी हो, हमारी तैयारियां, जो आप जितना 99% आपका सक्सेस तैयारी है, 1% डांटी है। तो ये तैयारी पूरी आपको करके जाके अपने आप को बचा के उसको डांट मारना है और छुप जाना है। वो पलट के देखेगा कोई नहीं था, वो समझेगा कुछ मक्खी काटी, कुछ सुई चुभी, वो अपना रिलैक्स हो जाएगा। आवाज नहीं होना। ज़ाइलेज़िन और कैटामाइन जो हम दवा देते हैं, ये दवा की एक खास चीज ये है कि आवाज और डिस्टर्बेंस से फिर वो होश में आ जाता है। तो जितना हो सके वहां खामोशी हो, जानवर को रिलैक्स छोड़ दे। 15 से 17 मिनट, 20 मिनट लगेंगे हाथी को या टाइगर पे ये दवा हमारी पूरी असर करने। तो वो आप उसको देखते रहें या वहां से हट जाएं। जब वो उधर पलट गया, आप वहां से सेफ डिस्टेंस पे चले जाइए और वहां से उसको वॉच करें। नर हाथी अगर हो तो 10 मिनट के बाद वो थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, हाथी सूंड टेक देगा, घड़ी घड़ी पेशाब करेगा, पेशाब की नाली बाहर निकल जाएगी पूरी, हाथी में अंदर होती है, जैसा ये दवा का असर होता है, पेनिस उसका पूरा बाहर आ जाता है और वो सूंड टिका के अपने आप को सहारा देगा। हम जो दवा हिंदुस्तान में, इंडिया में जो हमारे पास है, कैटामाइन और ज़ाइलेज़िन, इससे हाथी गिरता नहीं है। जो हाथी की दवा होती है इमोबिलॉन, वो ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, तो हमको इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। अफ्रीका वगैरह में वो दवा यूज करते हैं, अभी मैं पूछा नेपाल में भी वो दवा उनके पास नहीं है। तो हमारे पास जो दवा है कीटामाइन ज़ाइलेज़िन, जो हम आपको मैं बताऊंगा यूज करना, उससे हाथी खड़े ही रहेगा। उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग सेडेशन। हाथी खड़े रहेगा मगर कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा, सामने नहीं जा, सामने जाए तो सूंड से वो मारेगा मगर वो चलने के काबिल नहीं रहेगा। एक बड़ी सी बांस लेके, बंबू लेके आप उसके पीछे जाइए और उसकी दुम के पास लगाइए। जब ये सारे हर 5 सेकंड को वो पेशाब करेगा, हर 5 सेकंड को वो पेशाब उसका टपकते रहेगा। जब आप ये देख लिए कि ये साइन उसका, ये कंडीशन आ गया है, धीरे से पीछे से करीब जाके एक बांस उसकी दुम के पास लगाइए, वैसे ही रहेगा, कोई उसको असर नहीं होगा। अब हमारे पास बेड़िए, रस्सी, ये सारा सामान हमारा तैयार होना चाहिए। अब हमारे दो चुस्त लड़के वो धीरे से जाएंगे और वो पीछे के पैर में से रस्सी डाल के उसको, नाइलॉन की मोटी 1 इंच की रस्सी दोनों पिछले पैरों में से डाल के वो कहीं ना कहीं पेड़ को या पत्थर को कोई बांध दे। ये पहला आपका ये स्टेप हो गया। धीरे धीरे दवा असर करती ही जाएगी। 45 मिनट तक ये दवा का असर बढ़ते जाएगा। 45 मिनट से 1.5 घंटे तक वो दवा का असर रहेगा। जब आप डांट करें, आप पहले अपनी घड़ी देख लो कि टाइम क्या था, हो सके तो नोट कर लो आपको 45 मिनट तक का ये टाइम, फिर 1-1.5 घंटे तक वो पूरे ही उस कंडीशन में रहेगा। 1.5-2 घंटे के बाद उसका असर दवा का धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर ये भी हो सकता है, हम हाथी के वजन के हिसाब से दवाई देते हैं, अगर वो खाली पेट हो तो दवा ज्यादा असर करेगी,
अगर गिर जाता है और मुंह के बल गिर जाता है, सूंड अगर नीचे आ जाती है तो उसकी मरने की संभावना है। उसके लिए हमको पानी तैयार, इस दवा से बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ता है, इतनी पावरफुल दवा होती है कि पानी का बॉडी का टेम्परेचर उसको तेज बुखार के जैसा आता है। तो अगर वो गिर जाता है तो हमारे को पानी 40 लीटर के डब्बों में, 4-5 डब्बों में पानी तैयार रखते हैं, जो हम उसके पीछे की तरफ पुट्ठे की तरफ पानी हम डालते हैं। और अगर हम लकड़ी वगैरह डाल के सूंड को उसकी बाहर निकालने की कोशिश करें, नीचे आकर फंस गया है, उसके बाद एक, ये दोनों जो दवाई है किटामाइन ज़ाइलेजन, इसमें से एक दवा का रिवर्सल है, हम दवा का असर खत्म करने वाली दवा है, जैसा सांप काटता है तो सांप के जहर को काटने वाली, उसको रिवर्सल कहते हैं, रिवर्जाइन होती है। तो वो कान के पीछे, कान को जब पलटाते हैं हाथी के, तो मोटी सी एक रग रहती है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी पालतू हाथी के ऊपर हम करके आपको दिखा दूंगा एक वक्त, तो वो रग में हम वो इंजेक्शन देते हैं, मगर रग अगर ना भी मिले, कान के पीछे मोटे मोटे, कान का पर्दा जब पलटाते हैं तो मोटे मोटे रग रहते हैं, खून जाने की नस, नस, तो वो नस के अंदर हम सुई डाल के देते हैं, जैसा आप खून लेने गए वक्त डॉक्टर कैसे यहाँ से खून निकालता है आपके, वैसा नस देखना पड़ता है। नस ना भी अगर मिले तो आप वो इंटरमस्क्यूलर कहीं पे भी वो दे सकते हैं, थोड़ा असर कम होता है, मगर उससे अगर हम नस में दे दें तो हाथी 30 से 35 सेकेंड में उठ जाने की संभावना रहती है। मसल में अगर आप देते हैं तो वो 5-6 मिनट के बाद असर होगा, कम असर होगा, मगर इससे असर बहुत ज्यादा और तेज होता है। आईवी हमको देना पड़ता है रिवर्साइन, उससे जो है जानवर फिर रिवाइव हो जाता है, उठ जाता है। तो ये हो गया आपकी ये गन का, अब ये गन इस वक्त काम करने के, चलाने के काबिल हो गई। दूसरे डब्बे छूटे कहाँ हैं उसके, और डब्बा तो बाहर, और दो डब्बे वो ला लो उसके, बाहर से डब्बे लाइयो। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये बाजार से क्या खाली होता है, मिलता होगा? जी नहीं सर, हाँ। ये नहीं मिलता, ये अच्छा। वहीं से हमारे को ये जो दुकान से हम ये लेते हैं ये मंगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता है, स्टोर में मंगवा के रखना, रखना पड़ेगा क्योंकि यूज करते करते आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। डार्ट्स मंगा के रखना है, सब चीज मंगा के रखनी होती है। ये दूरबीन है, इस दूरबीन से, ये दूरबीन में यहाँ पीछे एक रिंग है घूमने वाला, ये जो रिंग है ये आपकी आंख का पावर है। अब ये मेरा 1.5 नंबर की ऐनक है, तो वैसा ये रिंग, इसमें क्या होता है, इसको देख के आप अपने जहां पे भी आपको सांप स्पेशल दिख रहा है वहां पे एक वाइट मार्कर पेन से इसके ऊपर से, इसके ऊपर से आप एक वाइट लाइन डाल दें जिससे हमेशा आपको पता चले कि ये घूम तो नहीं गया। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सुपेश ने घुमा के रख दिया है, -3 और +3 तक पावर इसका जाता है। आपकी नॉर्मल आंख है, आप लोग बच्चे हैं, दिखेगा ही नहीं, तो पहले देख के कोई भी चीज को फोकस करके क्लियर दिख रहा है, वहां एक व्हाइट मार्कर पेन से लाइन डाल लें, आप फील्ड में गए वक्त बराबर देख लें कि वो लाइन के ऊपर वो चीज आ गई है या नहीं। और इसमें ये सेटिंग्स होती है चलाने, एक वक्त मैं इसको चला के एक्चुअली राइट लेफ्ट अगर मार रही है तो ये सेटिंग है। अच्छा, और अगर आपका डार्ट, अगर ये आपका टारगेट है, ये जो आपका टारगेट है 25 मीटर पे आप यहाँ ताक रहे हैं और डार्ट यहाँ लग रहा है, तो एक होता है ऊपर नीचे और एक होता है राइट लेफ्ट, तो ये ऊपर नीचे का और राइट लेफ्ट की जो सेटिंग है वो ये सेटिंग रहेगी, ये सेटिंग है, ये राइट लेफ्ट की है और ये सेटिंग जो है ये ऊपर नीचे की है। ये मैं करके आपके सारे गन्स को एक वक्त में सेट करके चला के आप लोगों को टारगेट लगा के 30 मीटर के ऊपर थर्माकोल का डब्बा रखते हैं, उसमें टारगेट लगा के डार्ट मारते हैं, तो वो डार्ट जाके कहाँ लगा आप वो देख ले सकते हैं। उसको एक वक्त, इसको नई गन है, इसको एक वक्त सेट कर ले तो फिर वो सेटिंग आउट नहीं होती, आप हमेशा जो है वो एक अपनी सेटिंग पर रख ले सकते हैं। अब ये मोटा मोटा ये है कि 25 मीटर के ऊपर हम लेके चले, अपना हमारा टारगेट है
25 से कम नहीं, 25 मीटर के ऊपर अगर हमारा टारगेट है तो आप इसको 7 के प्रेशर पे रखेंगे। ये 5 हो गया, ये 7 बार का प्रेशर, 7 कांटा 7 पे आ गया है। सुने आप, तो हमेशा हम मोटा मोटा जब हम गन लेके फील्ड पे जाएंगे तो हम प्रेशर को 7 पे रखेंगे, वहां जाने के बाद टारगेट हमारा कहां है, कितना है, आप जिस वक्त मार रहे हैं, ट्रिगर दबा रहे हैं, उस वक्त एक अंदाजा कर लें। जो डार्ट करने वाला आदमी है, आपको यह करना है कि अपने ऑफिस के सामने, अपने घर के सामने कोई पेड़, उसको अपने दरवाजे से टेप से माप लीजिए कि वो है 12 मीटर। आपके दफ्तर का गेट आपकी कुर्सी से कहाँ है, 22 मीटर। आप वो टेप से माप लें और अपने जहन में रखें, रोजाना 8 दिन में एक वक्त वो गेट को देखिए, 22 मीटर है ये गेट। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा दूरी का। ये डिस्टेंस हमको फील्ड में जज करना पड़ता है। अब आप मुझे कोई भी चीज बता दीजिए और आप फिर टेप से मापिए, 2-2.5 मीटर से बढ़ के उसमें फर्क नहीं होगा, क्योंकि हम करते 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 आदत हो गई है। 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, जो भी जगह है, मैं आपको आंख से देख के अंदाजे से बोल देता, वो कैफियत आप लोगों में डेवलप करना है। तो इसमें जैसा आप 25 मीटर पे सेट करें तो 30 मीटर पे कोई फर्क उसका ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, कोई डिफरेंस उसका पड़ने वाला नहीं है। 5 मीटर, 6 मीटर का कुछ फर्क, 10-12 मीटर का फर्क उसके ऊपर फर्क होता है, तो वो ज्यादा उस पर बोले। ज्यादा अगर दूर दिख रहा है आपको हाथी, आप समझ रहे हैं कि 25 मीटर से ज्यादा दूर है, 8 पे कर दीजिए प्रेशर। हाथी पे मेरा अनुभव ये है कि थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा ही रखना पड़ता है। ये जो सेटिंग इसकी दी गई है, ये टाइगर और लायन की है, शेर की सेटिंग है। शेर का नरम चमड़ा होता है, बहुत पतला सा चमड़ा होता है, नरम चमड़ा होता है। उड़ीसा में हाथी आ गए थे, 14 आदमी को मारे। अब मैं वहां जाके उसको पूरी तौर से दबक के 25 मीटर के पास जाके मैं पीछे से डांट मार रहा हूं और वो डांट हाथी को लग के उछल के जाके उधर गिर जा रहा है। फिर मैं दबक जाता हूं हाथी पर, वो हाथी कीचड़ में बैठ बैठ के इतनी मोटी मिट्टी उसके ऊपर लगा लिया था। 3 डांट मेरे हाथी को पड़ के जंप हो गई, सुई अंदर गई नहीं। अब मैं ले गया था 4 डांट, आखिरी चौथा डांट बना के डाला और ठहरा तो उसके जो पैर थे, पैर की रान का जो अंदर का हिस्सा था, वहां मारा चौथा डांट, वो लग गया। तो आपको हर चीज सीखते जाएंगे आप करते करते, ये होते जाएगा। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि भैंस जो होती है खुलगा काला वाला, वो हम पालतू लेके हमारे ट्रेनिंग में अपने स्टाफ को सिखाते हैं कि उसको ट्रेन करना है, उसको डांट करना, उसको उठाना, उसको स्ट्रेचर पे लेना। ये सारी चीजें अब हम लोग प्रैक्टिकली जब वर्कशॉप यहाँ होगा तो उस वक्त एक जानवर को हम करते हैं, झारखंड में नीलगाय पे करते हैं, अपने स्टाफ को ले जाके कि नीलगाय को एक डांट मारे, वो कितनी देर में गिरा, फिर उसको कैसे उठाएं, उसको स्ट्रेचर पे कैसे लेटाएं, उसको रेस्क्यू वैन में कैसे लोड करें, उसके कान में इंजेक्शन देके उसको वापस कैसा होश में लाएं, ये सारी चीजें हम सिखा देते हैं अपने लोगों को। तो ये नेक्स्ट स्टेज में हम लोग ये प्लान करके अपन लोग वहां से उसको वहां पे लेके चलेंगे। ये खोलो बेटा, ये खोलो, ये तो खैर हो गए अपना पंप होगा, ये खोलो। ये क्या है? ये डार्ट। अच्छा, हसन इसका काम है पंप और घुटी में सामान निकाल। दो सिलेंडर क्या लगता है इसमें, पहले से दिया हुआ एक्स्ट्रा है क्या? जी हाँ, ये एक्स्ट्रा सिलेंडर है इसमें। अगर ये सिलेंडर तो फुट पंप से भी अपन को भर सकते। खोलो चाकू ले, जल्दी खोलो।
चाकू से खोलो ना, नहीं रहने दीजिए, ठीक है निकल गया, बाद में देखते हैं। ये चाकू ले, चाकू है किचन से ले लो ना। हिला रहा, हिला रहा, एक बार चेकिंग होने के बाद काम करने लगा। क्या? हाँ तो काम करेगा ही, वो तो चल जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए हाँ दिखाएगा, प्रेजेंटेशन दिखाएगा। ये हमारा डाट है जिसमें हम दवा भरते हैं, ये दो हिस्सों में होता है। ऊपर का हिस्सा दवा भरने का होता है, नीचे का हिस्सा हवा भरने का होता है। अब ये जैसा हमारे को आप देखे होंगे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, तो वो सिरिंज में इंजेक्शन भर के वो लगा के हाथ से दबाते हैं। तो यहाँ हाथ से दबाने का सवाल नहीं, इसमें हम पीछे के हिस्से में हवा भरते हैं। टायर में जैसे हवा भरते हैं वैसे पीछे हवा भरते हैं, और सामने के हिस्से में हम दवाई भरते हैं, और इसके पीछे से फिर ये लगाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, और सामने इसके सुई बैठ जाती है। तो ये जब हम गन में लोड करते हैं तो ये पूरा ही डार्ट जाके लग जाता है, और ये जो इसकी लाल पट्टी है ये रेडियम है। अगर रात में भी आप इस पर टॉर्च डालें तो ये चमकेगा, और ये लाल फुन्ना जाके जानवर को लग जाता है तो दूर से आपको दिख जाता है कि कहाँ डाट लगा या मिस हो गया या जो भी हुआ। वो एक बार वो आ जाए तो मैं आपको इसको कैसे भरते हैं आपको मैं दिखा दूंगा। बिल्कुल सिंपल चीज है, एक बार आप लोग देख लेंगे, आप लोग हर चीज खुद कर सकते हैं। इसमें होगा ये वाला खोल, वो तो दिया है जस्ट ये खोलो बेटा, चाकू ले आओ ना, चाकू क्यों नहीं, यहीं पे खोल दो ना, चाकू ले आओ खोलो। हाँ ले जा रहा हूँ, इसका सामान कंप्लीट नहीं है। ये और किसको कुछ नहीं, ये तो पंप है, फुट पंप है। ये एक पैकेट, तीन पैकेट था ना, ये सिरिंज है, तीन पैकेट था सर, तीन ही पैकेट थे। हाँ ठीक, इसका इसमें दवा डाल के प्रेशर करने का पंप नहीं, पंप के बगैर ये फुट चलेगा। छोटा सा एक वो आता है सिरिंज के जैसा, उनको बोलना पड़ेगा। नहीं ये ऐसी करते हैं, ये हेल्प्रो वाले हमेशा ऐसी गड़बड़ करते हैं कुछ ना कुछ। ये क्या है? ये क्या? हाँ ये है ना, है या है, मिल गया। इसके पहले भेजना भूल गए थे, फिर भेजे। निकल देखिए, जैसा मैं आपसे कह रहा था ये दो हिस्सों में ये है, ये एक छोटा सा लाल ये इसका वॉल है। अब ये जो काला हमारा प्लंजर है इसको मैं पीछे कर देता हूं,
ये चले गया पीछे। सिरिंज नहीं है ना, खैर ठीक है, ये पूरा ये पीछे चले गया। अब ये पीछे जाने के बाद इसके अंदर हम दवा भर दिए, दूसरा सिरिंज नहीं है यहाँ, इसी में भर देंगे। हाँ सर, इसे पानी भर, हाँ पानी भर के उसको पानी एक मग में पानी लेते हो थोड़ा, नल में, नल यही है, वॉश बेसिन यहाँ है सर, यहाँ यहाँ है वॉश बेसिन, पूरा पानी टॉवल के पास होगा। ये सुई जो होती है आदमी को इंजेक्शन देने वाली, सुई में सुराख सामने होता है, इसमें सुराख साइड में है, यहां होता है आड़ा सुराख। तो वो सुराख को बंद करने के लिए ये एक प्लास्टिक का स्लीव होता है जिससे हम इसको बंद कर देते हैं, जो सुराख है उसके ऊपर ये आके लग गया। जब ये सुई जाके लगती है तो ये चमड़े में जब धंसती है तो ये स्लीव पूरा पीछे चला जाता है, यहां तक आ जाता है और दवा अंदर चली जाती है। देखिए अब ये दवा हम आपको बताएंगे बाद में कि दवाइयां नहीं है, किटामाइन और ज़ाइलेज़िन, समझिए आप 3 ml किटामाइन 3 ml ज़ाइलेज़िन जो है वो आप मिला दिए। अब आप इमेजिन करिए कि ये आपकी दवा है, एयर था ना, लॉक हो जा रहा है, सील हो जा रहा है, ये इंजेक्शन देने वाली सुई से हम देते हैं। यहां तक आ गई अब आपकी दवा, इसको खाली कर, पानी निकाल दो। देखिए आप, हेलो सर जी, शफात अली खान। तो ये दवा हम इसमें ले लिए। अब ये दवा लेने के बाद ये जब आप इसको पकड़ेंगे, ख्याल रखें आप लाल नीचे की तरफ ही जाएगा हमेशा। अब ये आप इसमें ये सुई बिठा दिए, पकड़ से इसको जो है टाइट ये सुई को बिठा दिए। बिठाने के बाद जो साइड में होल है उस होल में आप, उस होल को अब हम बंद कर लो, बंद कर दिए, बंद कर दिए। अब दवा तो अंदर है मगर ये दवा जानवर में कैसे जाएगी? अब ये पीछे इसके एक लाल ये वॉशर है, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया। अब देखिए ये फ्री है, यहां आ गया, यहां आ गया। अब हम इसमें हवा का प्रेशर देंगे, जब हवा का इसमें प्रेशर आ गया, अब ये यहां अटक जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। देखिए आप, फिर एक बार देखिए, हवा जाने देता है, निकलने नहीं देता। हाँ, अब ये जो है, अब ये फ्री हो गया, नीचे ऊपर आया हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस डार्ट के अंदर प्रेशर नहीं है। अब मैं फिर एक बार इसमें आपके लिए प्रेशर भर देता हूं, रहता है। अब ये लॉक हो गया, अब ये नीचे ले गया। अब इसके बाद इसमें ये फेदर लग गया, अब आपका डार्ट तैयार हो गया है इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे ये जाके वहां लगेगा जानवर को, देखते रहिए सब तस्वीर, जैसे ये जाके लगेगा, फव्वारा पानी का हो गया, चारों तरफ दवा निकल गया, दवा पूरी निकल गई।
तो एक सेकंड के अंदर पौन सेकंड में, अगर एक सेकंड को आप 100 में डिवाइड कर दें तो पौन सेकंड के अंदर सारी दवा जानवर के अंदर इंजेक्ट होगी। बंदर वगैरह को जो हम करते हैं, बंदर लगते ही हाथ से खींच के फेंक देता डांट में, उतनी देर में चली जाती है दवा, दवा उतनी देर में उसके अंदर दवा चले जाती है। तो अब ये समझिए आप, ये डार्ट आपका ये तैयार हो गया। अब आप इस डार्ट को कैसे लगाएंगे? ऊपर की है ना, ऊपर का ये पाया ये वो कर दिया। फिर घुस गया, ओ अब ये बैठ गया और बंद कर दिया। अब ख्याल ये रखना है कि ऊपर डालें तो इसको ये डाउन पे, इसको ऊपर कर दें, अप पे करिए ऊपर की बैरल। अब आप इसको दे दिए प्रेशर, अब ये सात के प्रेशर पे है तो वो बॉक्स ले लो, कहीं निशाना लगाइए, बाहर बाहर निकल लेंगे। हाँ चलिए, वही बॉक्स ले, रास्ता खराब है। हाँ चलिए, कहाँ लगाइएगा? वहाँ सामने दीवार के पास रखिए। अच्छा दीवार पे, लॉर्ड दीवार, ये पकड़िए जरा, एक मिनट हसन, एक मिनट। अब देखिए इसको मैं टारगेट करूंगा, डीएफओ करिए करिए करिए, डीएफओ को करिए, इसको मैं टारगेट करूंगा। वहाँ दीवार के पास नीचे रखो, डिग्री के हिसाब से प्रेशर उसमें लेना, प्रेशर कम ज्यादा करेंगे। इसका चार्ट, इसका चार्ट मैं यहीं चिपका दिया हूँ, चार्ट अलग आया था, इसके साथ में चिपका दिया हूँ। तो अब आप देखिए वो पीछे दीवार पे रख दो, छोटी दीवार पे, बस बस वो दीवार पे, दीवार नहीं नहीं नीचे नीचे नीचे, थोड़ा और राइट को हटाओ डब्बे को, नहीं राइट राइट राइट, बस बस हट जाओ। अब आप देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, यहां से मेरे अंदाजे से वो डिब्बा है 27 मीटर पे, और उस मोटरसाइकिल से वो डब्बा होगा 20 मीटर से कम में। तो अब मैं इसका प्रेशर कम कर रहा हूं, नहीं होगा मीटर की बात करो, रास्ते में लेकिन पोल भी आ रहा है आपका। नहीं मैं बाजू कर, अब देखिए मैं इसका प्रेशर 5 से कुछ कम रखा हूँ, 5 रखा हूँ, क्योंकि ये कंपनी की सेट करी हुई है। यहाँ से ओहो जरा डब्बा सीधा रख दो, डब्बा लेकर खड़े रख दो, कुछ वजन रख दो उसके ऊपर, एक पत्थर कोई खड़े रहे ऐसा हो सकता है क्या? उसूल देखिए, अब डब्बा बहुत बड़ा है तो ऊपर में निशान नहीं साहब, हम ये करते हैं ना, ये ट्रेनिंग जो अब हम कर रहे हैं ये एयर राइफल से देते हैं, हर आदमी को 10-10 15-15 शॉट एयर राइफल से चलाने देते हैं, तो उसके बाद में जो है वो हो जाता है। ऊपर रख दो, हाँ नीचे डाल दो, बस बस ठीक है, हट जाओ। तो अब ये हम इसका 5 का प्रेशर अगर यहाँ से देते हैं, तो जैसे मैं आपसे कहा सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखें, इसको जी सेफ्टी, लाल रिंग नहीं दिख रहा है तो वो सेफ है, जब लाल रिंग आपको दिख जाएगा जी, अब ये चलने के काबिल हो गई। सुने, ऊपर की बैरल में डार्ट, फिर वापस अपने दिमाग में रिप्ले कर लीजिए, ऊपर की बैरल में डार्ट है, सिलेक्टर भी ऊपर है, प्रेशर भी सही है, सेफ्टी भी हट गई है। अब आप अपना पोजिशन लेके धीरे से जानवर के पास आप चले जाइए, जितना भी आप करीब जा सके, उसके बाद में आप जो है उसको थोड़ा सा नीचे लगाया, थोड़ा सा नीचे लगा, क्योंकि ये टेलीस्कोप हम सेट अभी करे नहीं है, जो कंपनी से आई है वैसी ही है, उसकी सेटिंग होना है। कहाँ है हसन? अंदर चले गया डार, नीचे लगा, अच्छा थोड़ा सा, मगर वो जानवर पे है, ला लो आप वो डब्बा ला लो, हाँ हटा लीजिए मोटरसाइकिल, हटा लीजिए
लगा कि नहीं लगा? लग गया, पार हो गया। हाँ लगा है, क्योंकि प्लास्टिक था, प्लास्टिक था इसलिए उछल गया। और देखिए स्लीव पूरा पीछे तक आ गया।